वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। जस्ट अभी एक ब्लॉग जो है एंड किए और स्टार्ट किए, जस्ट अभी मतलब एंड किए, एडिट किए एंड वो तो कल आएगा ब्लॉग। फिलहाल रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, सोचे कि पापा के साथ बाहर जाते हैं। बारिश का दिन भी किया है, बारिश हो जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा। फिलहाल ये इयररिंग्स देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, ये मेरी बहन भिजवाई है, पापा आए हैं तो, और भी बहुत सारा चीज़ भिजवाई है उस झोले में है तो वो आपको कल दिखाएंगे। फिलहाल ये इसलिए निकाले ना क्योंकि जो अभी हम साड़ी पहनने वाले हैं सेम इसमें सेट हो रहा था, देख सकते हैं, तो इसलिए ये निकाल लिए। और ये प्यारा सा साड़ी जा रहे हैं पहनने, तो चलिए पहन के उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हो गए हम रेडी और ये इयररिंग्स पहन लिए जो शिवानी भिजवाई थी और ये चूड़ी, तो चलिए निकलते हैं। और लग रहा है कि शाम ही हो जाएगा, मेरे को दिन में जाना था ताकि मेरा एक दो वीडियो भी बन जाए, पापा के साथ भी, सबके साथ एक एक वीडियो बन जाए, लेकिन हमेशा रात हो ही जाता है जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि रात में फिर वीडियो नहीं बन पाता है, अच्छा आता ही नहीं है। तो चलिए निकलते हैं। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, हाँ वीडियो लगे पापा, पापा को टाइम ही नहीं मिलता दिन भर हॉस्पिटल से फुर्सत बाद, फिर रात को बहुत लेट हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता पापा को। चलिए ब्लॉग तो कंटिन्यू रही है। अंधेरा हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं आएगा, एक दो वीडियो सोचे हैं पापा के साथ क्योंकि पापा के साथ कभी वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए अच्छा। देखते हैं क्या होता है क्योंकि ज़्यादा आदमी हुआ तो कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पीछे देख सकते हैं वाटर पार्क है तो गाना बज रहा है, तो चलिए बाद में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पार्क हम लोग पहुँच चुके थे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, जो जमशेदपुर से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है बैठने पे, तो हम लोग इसलिए यहीं पे आए थे कि हम लोग बैठेंगे बातें करेंगे। और यहाँ पे मतलब मौसम ऐसा था ना कि एकदम ठंडा ठंडा सा बह रहा था हवा, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ सब लोग चिनिया बादाम खा रहे थे, हम लोग तो यहीं बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो यहाँ सबके लिए ससुर जी खरीदे थे, हम नहीं खाते हैं तो हम नहीं लिए थे, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। और इधर देख सकते हैं झरना भी स्टार्ट हो चुका था, जो बहुत ही सुंदर लगेगा, और शाम हो जाएगा तो देखिएगा। सो गाइस देखिए माँ क्या खा रही है, क्या खा रही है माँ? चिनिया बादाम, आप भी लोग खा जाइए। पहले पता है हम क्या करते थे, ऐसे ही खा जाते थे नहीं होता भैया छीले ले, पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, मस्त। तो सब लोग, हम लोग एक एक ले लिए, हम नहीं खाते हैं तो हम नहीं लिए, सब लोग ले लिए हैं। और बाकी इधर फुहारा स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा। और पापा के साथ दो वीडियो शूट किए हैं, और माँ के मस्त शूट मेरा वीडियो अभी माँ के साथ देखते हैं बनाते हैं। रात हो जाएगा तो बन भी नहीं पाएगा किसी के साथ भी। आप ऐसे करें सब लोग लगेगा गुस्सा नहीं, सैड है, गुस्सा नहीं है, सैड उदास, इसलिए कोई गलत कमेंट मत करिएगा ना। तो चलिए अभी दिखाते हैं, अभी यहाँ पे कलरफुल वाला भी फुहारा उड़ता है, लेकिन अभी नहीं उड़ रहा है, अगर उड़ेगा तो दिखाएंगे। बाकी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे। फिर यहाँ पे थोड़ा देर सोचे कि बैठते हैं, क्योंकि जो फुहारा है वो पड़ता है ना आपके बॉडी पे, इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे हम सोचे कि थोड़ा देर बैठते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि सब लोग बैठ के उधर बात कर रहे थे। माँ और पतिदेव एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, मेरे पापा और मेरे ससुर जी एक जगह बात कर रहे थे, और हम अकेले सब जगह घूम रहे थे। फिर माँ आई, थोड़ा थोड़ा लाइट निकल रहा है इधर, थोड़ा थोड़ा ही, पूरा ज़्यादा तो नहीं निकल रहा। बाकी पानी के पास बैठने पे एक है कि ठंडा ठंडा लग रहा है, मुझे इधर गर्मी लग रहा है। इतना हरियाली अच्छा लगता है ना मेरे को ये पार्क, मतलब आराम से आप बैठ के बिता दीजिए बहुत टाइम, एकदम मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। कैसा भी मूड, कैसा भी मूड हो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं हम लोग बैठे हैं, थोड़ा देर बैठेंगे फिर जाएंगे। बैठ के देख रहे हैं इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, खेल रहे हैं, मतलब हर एक तरह का इंसान आपको दिखेगा, आप एक जगह बैठिए। बाकी लाइट अगर जल जाता बहुत अच्छा से तो बहुत अच्छा वीडियो मिलता है ना। सो गाइज फिर यहाँ देख सकते हैं रात का दृश्य, इतना खूबसूरत लगता है ना देखने पे। और ये तो अभी आधा दिख रहा है आप लोगों को, और ऊपर चढ़ के जाते ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं पीछे और कितना ऊपर चढ़ के जाना होता है, और सीढ़ी बनाया रहता है, सीढ़ी मतलब थोड़े दूर पर फिर सीढ़ी। अभी हम सीढ़ी पर ही खड़े हैं, और यहाँ मतलब एक जगह ऊपर चढ़ के गए हैं, उसके बाद हम लोग नीचे गए और यहाँ पर खाएँ ये झाल मुड़ी, क्योंकि सब लोग बादाम खा लिए थे, तो मेरा भी मन हो रहा था कि कुछ खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम बोले कि मेरे को झाल मुड़ी खरीद दीजिए, हम ये खाएंगे, मेरे को बहुत मन हो रहा था खाने का, तो खा लिए। और बहुत अच्छा लगता है ये खाने पे, आलू वगैरह डाल के सब कुछ डाल के ये बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और झारखंड में ये फेमस है, झाल मुड़ी हर जगह पर ये मिलता है। फिर झालमुड़ी ले लिए, बट मेरा दो दो फ़ोन है तो खाने में बहुत प्रॉब्लम होता, तो सब लोग खा ही रहे थे, मेरे पापा झालमुड़ी नहीं खाते हैं तो इसलिए उनको ले जाके और यहाँ मोबाइल रख दे दिए रखने के लिए। और यहाँ पे हम सब लोग खाने वाले थे झालमुड़ी चारों लोग, मेरे पापा उतना पसंद से नहीं खाते ये चीज़, वो बादाम खाते हैं तो वो खा चुके थे। और रात में देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है,
उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर और यहाँ पे हम लोग सोचे पहले कि घर पे खाना खाएंगे या बाहर, तो फिर हुआ कि बाहर ही खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता घर पहुँचते, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि बाहर ही खा लेते हैं। फिर हम लोग इतना ज़्यादा होटल ढूंढ रहे थे, कोई स्पेशल डोसा वाला जो होटल होता है ना, स्पेशल कोई मिल जाए, बहुत हम लोग ढूँढ रहे थे। और फिर बहुत दूर भी जाना पड़ा था, कभी लग रहा था बिष्टुपुर जाएँ कभी साक्षी जाएँ, पहले लगा खाओ गली जाएँ, फिर हुआ कि नहीं खाओ गली से हम लोग हमेशा खाते हैं, इस बार होटल का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग होटल का डोसा बहुत कम खाते हैं क्योंकि यहाँ जमशेदपुर में हर जगह मिल जाता है ठेले पे और टेस्टी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो होटल जाने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। बट आज हम लोग डिसाइड किए थे कि होटल ही चलेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ उतरे गाड़ी से एक जगह और यहाँ गए जहाँ ठेले वाले बहुत अच्छा बनाते हैं, बट वो नहीं थे। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग का डिसीजन सही था होटल ही जाने का, क्योंकि वहाँ मिला नहीं ठेले पे, और वहाँ नहीं मिला तो फिर हर जगह का पसंद भी नहीं आता है। और जो जो जमशेदपुर से हो बताइएगा ये कौन सा रोड है यहाँ का हम दिखा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए होटल और यहाँ पे पापा उतर रहे थे, यहाँ पे सासू माँ उतर, सब लोग हम लोग उतर गए थे, ससुर जी आगे जा चुके थे होटल के अंदर पूछने के लिए कि डोसा है या नहीं। तो ये रहा होटल, डोसा हाउस लिखा हुआ था और इतना टेस्टी डोसा था ना क्या बताएं, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। तो यहाँ हम लोग गए होटल के अंदर, भले होटल वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनका टेस्ट, उनका मतलब जो रहता है कोई भी खाना हो, मतलब उसका जो क्वांटिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्रेश रहता है, तो ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन सा डोसा खाना है, फिर हम लोग डिसाइड कर लिए, और मेरा और माँ का आया चीज़ डोसा, और मेरे पापा का और ससुर जी का आया बटर मसाला डोसा, और मेरे पति देव बोले कि हम नहीं खाएंगे, तो फिर वो नहीं खाए थे, हम ही लोग चारों लोग खा रहे थे, और सच में बहुत टेस्टी डोसा था, और इतना बड़ा डोसा था ना, इतना बड़ा कि मेरे से तो खाया ही नहीं गया पूरा, और लग रहा था कि इतना बड़ा डोसा कोई कैसे खा सकता है, ऐसा था, मतलब पूरा पेट फुल हो गया बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था गले तक ठूस ठूस के खाया गया है, वैसा फील हो रहा था। और चटनी इतना टेस्टी था ना, तो जो भी जमशेदपुर से हैं वो डोसा हाउस का डोसा ज़रूर एक बार खाएं अगर नहीं खाए हैं तो। फिर यहाँ दोनों पापा लोग खा रहे थे डोसा, और आदमी लोग बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और ये दोनों लोग इतना फटाफट से खा लिए थे, और दोनों जन फिर चले गए उधर पान खाने के लिए, और कौन कौन बनारसी पान खाया है ये बताइएगा। फिर यहाँ पे हम माँ मेरे पतिदेव तीनों लोग वेट कर रहे थे कि अब दोनों जने आएंगे, थोड़ा टाइम लग गया था, 5-6 मिनट हम लोग खड़े थे, उसके बाद आ गए लोग, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और आज काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद कहीं बाहर निकले, और मेरे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है फैमिली के साथ। सो गाइस आ गए घर, और काफ़ी थकानी हो गई है, और इतना ज़्यादा डोसा बड़ा था क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, लेकिन अच्छा लगा खा के, बहुत टेस्टी था। मेरा साड़ी कैसे तो फंस गया है। तो कैसा लग रहा था मेरा आज का ये सिंपल सा लुक ज़रूर बताइएगा, ये इयरिंग्स कैसा लग रहा है बताइएगा, शिवानी भिजवाइए मेरे लिए। और जैसे इयरिंग्स देखे मेरे को यही वाला साड़ी याद आया कि मेरे पास ये बहुत ही अच्छा सा साड़ी है नेट का, तो सोचिए ये हल्का साड़ी है तो यही पहन लेते हैं, बहुत प्यारा लगता है और एकदम सेट कर रहा है ना ये। तो चलिए अभी रात हो चुका है और 8:30 हो रहा है, 8:30 में हम लोग घर आ गए, तो अब जा रहे हैं ये सब चेंज कर लेने, अपना जो ड्रेस है साड़ी है ये सब कुछ चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। फिर घर आने के बाद काफ़ी थकान हो गया था, लेकिन फिर याद आया, हम तो जा रहे थे सोने के लिए, फिर अचानक से याद आया कि अरे चीकू को खाना भी देना है, तो चीकू के लिए हम यहाँ पे जल्दी से रोटी बनाएं, और इतना थकान हो गया था, लग रहा था बस हम सो जाएं, बट जिस दिन ऐसा सोचते हैं ना उस दिन और थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाता है। एक तो लाइट कट गया था जो आया ही नहीं, मतलब हम लोग आए उससे पहले से लाइट कटा हुआ था, और रात भर लाइट नहीं आया है, 1-2 बजे के बाद आया है लाइट। फिर रोटी बनाने के बाद फिर 10 बज गया था, उसके बाद पापा जी लोग बोले चाय पीने के लिए, तो चाय बनाएं माँ के लिए भी, और ससुर जी बोले तो उनके लिए भी,
और पापा को भी दे दिए थे। वैसे वो रात में चाय पीते नहीं हैं, बट सब लोग पी रहे थे तो उनको भी दे दिए, नहीं तो वो मतलब रात में चाय नहीं पीते कुछ खाने के बाद। फिर ये सुबह का क्लिप है जब सुबह सुबह जल्दी से नहा भी लिए थे और नहा के आके और यहाँ पे रेडी हो रहे थे, जल्दी से पूजा कर लेंगे उसके बाद किचन में जाएंगे। और आज जल्दी जल्दी इसलिए हुए थे ना कि लेट ना हो जाए, क्योंकि दो चीज़ बनाना था और कुछ भी कटिंग नहीं हुआ था, सब्जी वब्जी कट करना था मेरे को ही, तो मेरे को थोड़ा लेट लगता है। तो यहाँ पे फिर मतलब रेडी हो गए नहा वहा के, और आज ये कॉटन वाला सूट पहन लिए हैं क्योंकि मेरे पापा को ना मतलब ऐसा उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो मेरे पापा आए ना तो जो जो अच्छा अच्छा कपड़ा था वो सारा निकाल लिए थे, नहीं तो ऐसे हम नॉर्मल कोई भी पहन लेते हैं, बट वो उनके सामने अगर ख़राब कपड़ा पहनो तो थोड़ा मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम फिर पूजा वगैरह किए, जल वल चढ़ाएँ भगवान जी लोग को छत पर जाके और आशीर्वाद लिए भगवान जी का। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुका है और आज जल्दी से उठ गए हैं, 5 बजे उठ गए हैं। सोचे फटाफट से सब करते हैं क्योंकि बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब लेट ना हो जाए इसलिए अगर बोले तो, इसलिए जल्दी से उठ गए हैं क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा देर लगता है चॉपिंग करने में, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों देर लग जाता है चॉपिंग करने में। तो आज दो दो चीज़ बनाना था तो और लेट होता है चॉपिंग करने में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठ गए, अलार्म से पहले ही उठ गए थे, नींद खुला, हम सोचे अब उठ ही जाते हैं। फिलहाल जल चढ़ाने आए थे सूर्य भगवान को और फिर तुलसी माँ को, तो अलग अलग चढ़ाएं, पहले एक ही में चढ़ा देते थे तो कमेंट किसी ने किया था कि एक में नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब सूर्य भगवान को भी जल दे देते थे फिर उसी टाइम, मतलब उसी से जो पानी गिरता था वो तुलसी माँ में गिरता था, तो बहुत लोग बोला कि नहीं वैसे नहीं किया जाता है, कमेंट आते थे, तो हम अलग अलग करते हैं, पहले सूर्य भगवान को जल दे देते हैं फिर जल लेके फिर तुलसी माता को भी जल चढ़ा देते हैं। तो ये कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। पापा के साथ घूमने गए, शादी के बाद आई थिंक पहली बार घूमने गए हैं पापा के साथ, तो इस बार मन था कि कैसे भी इस बार घूमने जाएंगे, बारिश भी होने लगा था फिर भी हम सोचे नहीं जाएंगे तो जाएंगे इस बार, तो हम लोग गए और मन भी अच्छा हो जाता है घूमने से, पता है बहुत दिन हो गया था निकले हुए, हम लोग न्यू ईयर में आई थिंक गए ही नहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, बस मंदिर गए हैं एक वैष्णो देवी मंदिर जब हम लोग गए थे, उसके अलावा कहीं नहीं गए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।